सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फाइनली यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो RS 200 है, ये आपको वर्ने ट्रेड में और एक वहाँ पर जो है RS 200 वाइट कलर में है और एक इसमें जो आपको एक ब्लैक कलर में आता है। तो भाई आज हम करने वाले हैं RS 200 का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे इस बाइक का, जो कि इस बाइक पर हम साथ साथ इस बाइक में जो क्या फीचर्स मिल रहे हैं 2024 में, और इस बाइक के बारे में बात कर लेंगे। पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज, डायमेंशन, चेंजेस और डिटेल रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ आपको एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस दोनों हम कवर करेंगे इस बाइक पर। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। और तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके प्राइसिंग से। अभी के टाइम में RS 200 जो आपको कितने का पड़ने वाला है और सेम प्राइस रहने वाला कलर में, तीनों कलर का सेम प्राइस रहने वाला। तो सबसे पहले इसका जो एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लें तो एक्स शोरूम इसका पड़ रहा है 1,74,598। ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो ये आपका 2,09,000 के आसपास ये पड़ने वाला है। तो भाई मैंने प्राइस क्लियर कर दिया और शोरूम डिटेल भी हम लास्ट में आपको कवर करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप देख लो फ्रंट डिज़ाइन से, तो फ्रंट में कुछ आप देख सकते हो, ये आपका वाइट कलर है और वाइट कलर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बर्नी ट्रेड में भी है। तो सबसे पहले इसका जो है फ्रंट प्रोफाइल से इधर स्टार्ट करते हैं, उधर धूप आ रहा है तो इसी पे ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये कुछ आप जो देख सकते हो, ये फ्रंट की बात कर लें तो ये जो कुछ आप देख सकते हो, ये DRL मिल रहा है जो कि LED में मिल रहा है, साथ ही साथ भिंकर्स जो मिल रहे हैं ये भी आपको LED में मिल रहे हैं, और हेडलाइट जो दिया गया ये आपको प्रोजेक्टर में दिया गया, LED प्रोजेक्टर के साथ दिया गया। और ये जो फ्रंट का लुक आप देख सकते हो, ये गजब का लुक है, रोबोटिक लुक है, मस्कुलर लुक है और गजब का डिज़ाइन फ्रंट से दिया गया भाई इस बाइक का, RS 200 का। ये कुछ इतना सा वाइजर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और ये आपका ग्रे कलर का पैनल देखने को मिल जाएगा वाइजर का, साथ साथ यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने का जगह हो गया। और ये कुछ दो दो इसमें आपको मिरर मिल रहे हैं फ्रंट में, और मिरर यहाँ पर आपको अटैच किया गया। और ये कुछ जो है आपका फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि एंटी फ्रैक्शन ब्रश के साथ आता है। और ये जो है मेडिगार्ड की बात कर लें तो इस पर आपको कार्बन फाइबर वाला स्टिकरिंग किया गया है, साथ साथ इसमें आपको जो है डुअल चैनल के साथ डुअल डिस्क में ये बाइक आती है। और ये जो है इसमें आपको बाइवर्स के कैलिपर मिल जाते हैं, डुअल पिस्टन कैलिपर मिल जाते हैं, या फ्रंट में भी आपको ABS देखने को मिल जाएंगे, पीछे भी आपको ABS में का ऑफर मिल जाता है। साथ साथ फ्रंट में जो है डिस्क डायमीटर इसमें आपको जो है 300 mm का इसमें आपको डिस्क डायमीटर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। 17 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे और जो अलॉय व्हील के कट दिए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, रेड कलर के, इस पर आपको स्टिकरिंग भी किया गया है। और इसमें जो है आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर दिया गया, पीछे इसमें आपको रेडियल टायर दिया गया, इसका जो साइज़ है 100x80/17 का इसमें आपको साइज हो गया इसका। और पीछे की बात कर लें तो कुछ इस तरह का आपको जो है, ये जो आप देख रहे हो रियर सस्पेंशन की बात कर लें तो ये जो आपको निट्रॉक्स मोनोसॉक्स एब्जॉर्बर विद कनिस्टर्स बैक सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि रेड कलर का है। और इधर आते हैं तो ये जो कुछ देख रहे हो आप 230 mm का डिस्क डायमीटर इसमें तो देखने को मिलता है, सिंगल कैलिपर इसमें आपको मिलते हैं वाइवर्स के पीछे में, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है जो कि स्विचेबल है। साथ ही साथ ये जो है पीछे टायर अगर एड ऑन करके इसमें आपको दिया गया, ये आपको टायर वगैरह इसमें आपको दिए गए हैं। और ये कुछ जो है इसका पीछे का ब्रेक टेल लाइट, जो कि आप देख सकते हो ये भी आपको LED में रखा गया। इसका जो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो काफ़ी अलग है, कुछ अलग निकल कर आता है, और यहाँ पर आपको रेड का भी कम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, और विंकर्स भी आपको LED में दिए गए, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बाकी स्प्लिट ग्रैब रेल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है पकड़ने के लिए यहीं पर अटैच किया गया, ये सीट काउल के नीचे जस्ट ये अटैच कर सकते हो। और सीट काउल पर देख सकते हो आप बगल में RS 200 का स्टिकरिंग किया गया, जो कि रेड कलर का दोनों साइड किया गया। बाकी जो है राइडर और पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा सीट मिल जाता है, काफ़ी ठीक ठाक सीट है, कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको टैंक पैड लगा के दिया गया है, ये दोनों साइड है ठीक ठाक है। और ये कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर प्लेट लाइटिंग हो गया, नंबर प्लेट लगाने की जगह हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, और कुछ इस तरह का आपका लुक है पीछे का, जो कि आप देख सकते हो। और ये जो पैनल आप देख सकते हो, सेंटर पैनल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ग्रिल है, एक जालीनुमा ग्रिल जो कि एयर पास करने के लिए शायद यहाँ पर दिया गया। और ये आपका वाइट वाला पैनल रखा गया है, ये जो चेसिस है वाइट कलर का रखा गया ताकि अच्छा लगे। और ये जो है इसका एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट का भी लुक जो है काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पर आपको कवर अप वगैरह किया गया, जो कि ये शायद फाइबर का है, ये आपका पिलियन फुट पैक्स, एडर फुट पैक्स, ब्रेक पैड, ब्रेक पैडल। और मेन चीज़ जो है इसकी हम इंजन की बात कर लें तो इसमें आपको जो है 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड
सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक पीएस 6 फेज 2 वाला DTSI इंजन इसमें आपको दिया गया कंपनी तरफ से। और मैक्सिमम पावर की बात कर लें तो ये जो आपको 24.1 ब्रेक हॉर्स पावर का मैक्सिमम पावर जनरेट करता, जो कि 975,000 RPM तक की आपको जाएगा। और वहीं मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लें तो 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा, जो कि 8000 RPM तक ये जाएगा। भाई ये आपको जो है 6-speed मैनुअल देखने को मिल जाएगा, जो कि बात कर लें तो 1-down 5-up देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ब्रेक पैडल हो गया, और ये आपका राइडर फुट पैक्स हो गए, ये आपका पिलियन फुट पैक्स हो गए। यहाँ पर आपको 1-down 5-up इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इधर आते हैं तो ये कुछ जो आप देख रहे हो ये पूरा टैंक का एरिया हो गया। यहाँ पर आपको पल्सर का बैजिंग मिल जाएगा, E20 का अपडेट इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हो इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि 2.6 लीटर का रिजर्व लगेगा। और माइलेज जो ये बाइक आपको देने वाली 35 का ये आराम से माइलेज देगी। टॉप स्पीड जो है 145 प्लस कवर करेगी आराम से। और ये कुछ जो आपका इसमें आपको डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। बाकी जो अपडेट इसमें हो सकता आएगा, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी NS200 को अपडेट दिया गया है, तो हो सकता है 2025 में अपडेट इसको मिले। बाकी इसके बारे में बात हम कर लेंगे। तो इसको डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का कुछ इसमें आपको फेस देखने को मिल जाता है। ये आपका टैकोमीटर हो गया, ये आपका डिजिटल फ्यूल हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर जो आप शो कर रहा है ये आपका ऑडो हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, और यहाँ पर आपका जो है साइड स्टैंड का शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर हो गया, यहाँ पर आपका ऑडो। बाकी यहाँ पर दो बटन दिए गए, सेलेक्ट मोड, इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह इसमें आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। इधर साइड में काफ़ी इंडिकेशन शो कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, बैटरी का शो कर रहा है, यहाँ पर फ्यूल का शो कर रहा है, चेक इंजन माल फंक्शन, बजाज का लोगो हो गया, साथ ही साथ न्यूट्रॉल का हो गया, लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, ये आपका RPM लिमिट का हो गया, ये आपका टैकोमीटर हो गया, ABS का इंडिकेटर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर मोड देख सकते हो, सेलेक्ट देख सकते हो, ये आपका KM हो गया, Trip 1, Trip 2 इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑडो, यही चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। और ये कुछ क्लिप हैंडल बार इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि इस तरह का आपको क्लिप हैंडल बार इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका किल स्विच हो गया, ये आपका सेल्फ का स्विच मिल जाता है, ये आपका हाई बीम लो बीम का स्विच हो गया, या लेफ्ट राइट हो गया, ये आपका हॉर्न का स्विच हो गया, ये आपका पास का स्विच हो गया, जो कि आप देख सकते हो वहाँ से पास मार रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये फुल्ली प्रोजेक्टर हेडलाइट, जो मैंने LED बोला था, ये LED नहीं है, ये आपको जो है हाई बीम में देखने को मिल जाएगा, बट ये आपको प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाता है। LED सारे इधर ऑफर किए गए हैं आपको बस। बाकी इस बाइक का जो है आपको डायमेंशन चेंजेस के बारे में बात कर लें तो इसका जो डायमेंशन चेंजेस है, ग्राउंड क्लियरेंस जो बात कर लें तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और व्हील बेस जो मिलता है इसका 1345 mm। कर्व वेट की बात कर लें तो ये जो टोटल 166 kg इसका टोटल कर्व वेट हो गया। वहीं जो इसकी जो है चेंजेस टाइप की बात कर लें इस बाइक का, तो ये जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं प्रेस्ड स्टील प्रीमीटर बीम सेक्शन फ्रेम में, ये आपको चेजिस टाइप इसका देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसमें आपको, एग्जॉस्ट नोट भी हम इसका सुनाएंगे आपको। और ये कुछ इसका ब्रेक, ये आपका ये जो रियर ब्रेक टेल लाइट हो गया, साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसा शो कर रहा है। और यहाँ पर आपको ये पल्सर का बैजिंग मिल जाता है, इसके साउड पैनल आप देख सकते हो, ये जो साइड पैनल जो है, ये जो 200 का RS200 का ये जो डिज़ाइन है काफ़ी रोबोटिक लगता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है इस बाइक में। और ये जो इंजन दिया गया है लिक्विड कूल इंजन, इसमें आपको कंपनी तरफ से मिल जाता है, जो कि ये 200 cc में है, और इंजन को कूलिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है, लिक्विड कूल इंजन मिलता है। साथ ही साथ कैटालिक कन्वर्टर मिल जाते हैं, सिंगल हॉर्न मिलते हैं, और कुछ इस तरह का अंदर का डिज़ाइन है। और भाई ये इसका DRLs है, इसमें आपको हैजार्ड वाला फीचर्स नहीं मिलता है, शायद 2025 में इसमें आपको अपडेट मिले तो हैजार्ड वाला फीचर्स इसमें आपको कंपनी ऑफर कर दें। और इसको हम जो है ऑन करके दिखाएंगे आपको, तो कैसे इसका जो है एग्जॉस्ट नोट हम आपको सुनाएंगे। बाकी जो इसका एक बार मैं प्राइस इसका जो है एक बार और फिर से कवर कर देता हूँ, इसको न्यूट्रल पहले करूँगा उसके बाद ये स्टार्ट होगी। तो भाई इसका जो प्राइस है
वो 174,598 एक्स शोरूम रहने वाला, ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो 209,000 के आसपास रहने वाला है। बाकी शोरूम डिटेल की बात कर लें तो ये जो है आपको मगध ऑटो एजेंसी नियर कुम्हरार पार्क मेन रोड पटना कंकरबाग, और कॉन्टैक्ट डिटेल की बात कर लें तो 9153866304 ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। कॉन्टैक्ट करके ये बाइक बुक करवा सकते हो। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये जो मैंने RS 200 का फुल डिटेल रिव्यू किया आप लोगों को कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो इंडियन ऑटो बाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।